ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 2B के लिए है। चैप्टर 8 का टेस्ट होगा ट्यूसडे को। तो टेस्ट किस तरह से अपीयर करना है वो मैं ये इस वीडियो को बनाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी जिस दिन क्लास लेते हैं तो बारिश होने के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। तो मैं पहले ही समझा रहा हूँ कि टेस्ट किस तरह से देना है। तो मैं एक लिंक सेंड करूँगा व्हाट्सएप में और कैंपस केयर में। जिस वक्त क्लास है परसों, मतलब ट्यूसडे को क्लास है 9:30 बजे, ठीक है? तो 9:30 बजे जिस दिन क्लास शुरू होगा उस वक्त ये लिंक सेंड करेंगे। लिंक को क्लिक करने पर इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ लिखा है एंटर योर नेम क्लास एंड सेक्शन। तो सबसे पहले अपना नाम और क्लास सेक्शन लिख देना है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम किसी का भी नाम लिख देते हैं, मान लो अमित लिख देते हैं और सेक्शन 2B लिख देते हैं, 2B। इस तरह से सबसे पहले सभी को अपना नाम लिखना है, फिर स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर चैप्टर 8 का क्वेश्चंस आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्लिक करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। टिक द थिंग्स पेमा टुक आउट एंड डिड नॉट नीड। ये चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन है कि वैसे सब चीज़ को टिक करेंगे जिसको पेमा का कोई यूज़ में नहीं था। तो कौन कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर 5 आंसर है। पेन स्टैंड है, कार्ड्स है, टेडी बियर है, सॉक्स है एंड पेपर बैग्स है, मतलब बुक को छोड़कर सारा आंसर है। तो जो जो आंसर है वो सब में टिक करेंगे। फिर अपने आंसर को सबमिट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स आ गया कि टाशी आस्ट पेमा टू क्लीन हर रूम। इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? तो आंसर फॉल्स है। फॉल्स पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमा आस्ट हर ब्रदर टू हेल्प हर क्लीन द रूम। ट्रू होगा या फॉल्स? तो ये ट्रू है, तो इसको ट्रू करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमा डिड नॉट लाइक हर लिटिल क्विल्ट। ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये फॉल्स होगा, तो इसके आंसर पर फॉल्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्विल्ट वॉज टू स्मॉल फॉर पेमा नाउ। तो ये ट्रू हो जाएगा, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। पेमा गेव द क्विल्ट एंड टेडी बियर टू टाशी। ये ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है, फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन आंसर आएगा। क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड पेमाज मदर आस्क हर टू डू। पेमाज मदर आस्क हर टू क्लीन द रूम, पेमाज मदर आस्क हर टू क्लीन द फ्लोर, और पेमाज मदर आस्क हर टू क्लीन द वॉल, और पेमाज मदर आस्क हर टू क्लीन द रूफ। द करेक्ट आंसर इज पेमाज मदर आस्क्ड हर टू क्लीन द रूम। देन क्लिक सबमिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल अपियर, हु हेल्प्ड पेमा क्लीन हर रूम। पेमाज मदर टाशी, और पेमाज अंकल टाशी, और पेमाज ब्रदर टाशी। सो पेमाज ब्रदर टाशी इज द करेक्ट आंसर। क्लिक इन दैट एंड सबमिट। क्लिक करना है और सबमिट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड टाशी फाइंड इन द बॉक्स। टाशी फाउंड शार्पनर, इरेजर, क्विल्ट और पेन। सो क्विल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्विल्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इट वॉज वाई कुड पेमा नॉट यूज द क्विल्ट। इट वॉज टू बिग फॉर हर, इट वॉज टू थिन फॉर हर, टू हाई और टू स्मॉल। तो इसका आंसर टू स्मॉल है। क्लिक करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 out of 10। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में से ये 10 क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा फिनिश का, फिनिश पर क्लिक करना है। फिनिश पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ साइड में तुम्हारा नाम रहेगा, तुमने जो भी अपना नाम लिखा है, अमित 2B, और डेट और टाइम रहेगा। आज मैं 15 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज का डेट है और टाइम है। तो लॉग आउट पर क्लिक हो जाना। लॉग आउट पर क्लिक होने के बाद जिस पेज से शुरू किए थे हम लोग उसी पेज पर आ जाएंगे।
तो अब यहाँ कुछ नहीं करना, बस छोड़ देना। तो इस तरह से सारे बच्चों को टेस्ट देना है और सभी का रिज़ल्ट प्रिपेयर हो पाएगा। तो मैंने बोला था चैप्टर 7 और 8 दोनों का टेस्ट होगा, तो 7 का टेस्ट हो चुका है। चैप्टर 7 का पोएम था वो रिटन टेस्ट हुआ था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो मैंने ये वीडियो टेस्ट किस तरह से अपियर करना है मैंने पहले ही बना दिया है इस वीडियो को, और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो। और ट्यूसडे को जो टेस्ट है यही क्वेश्चन और इसी प्रोसेस से सब कुछ रहेगा, बस टेस्ट को अपियर करना है, ठीक है। और फिर मैं सबका रिज़ल्ट भी दिखा दूँगा, जैसे अगर रिज़ल्ट दिखाना होगा तो मैं रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि रिज़ल्ट किस तरह से शो होगा। अब मैं यहाँ पर रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, जैसे अभी एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, यहाँ व्यू रिज़ल्ट लिखा है, मैंने अमित नाम का स्टूडेंट लिखा और फिर टेस्ट दिया तो व्यू रिज़ल्ट लिखा है। व्यू रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा, देखो अमित 2B। इस तरह से सभी को अपना नाम लिखना और सबका रिज़ल्ट बन जाएगा। स्कोर 100% मतलब 11 क्वेश्चन था, 11 आउट ऑफ 11 सारा आंसर सही हो गया। स्टार्टेड ऑन शुरू कब हुआ था, तो 8:10 में 15/8/2021। ये डेट उल्टा पढ़ना है, डेट और टाइम इधर से राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, तो 8:10 15 अगस्त को। और फिनिश ऑन ख़त्म कब हुआ, 8:13 को 15 अगस्त को, मतलब इस 10 क्वेश्चन को मुझे बनाने में लग गया 2:53, मतलब लगभग 3 मिनट में पूरा हो गया। और सारा क्वेश्चंस का भी डिटेल है यहाँ पर, कितना क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 क्वेश्चन था और सारा क्वेश्चन का आंसर सही है, तो सब में 100% है। और अगर बच्चों का कॉपी देखना है सबका, तो जिसके नाम पर क्लिक करेंगे उसका कॉपी ओपन हो जाएगा। ये देखो कॉपी ओपन हो गया, कॉपी को चेक कैसे करना है, यहाँ देखो ये जैसे ही कॉपी ओपन होगा तो सबसे ऊपर में राइट साइड में तुम्हारा नाम लिखा रहेगा, जो भी अपना नाम लिखोगे, अमित 2B अभी मैंने लिखा है तो अमित 2B लिखा है, और फिर उसके बाद ये डेट और टाइम दिया है। और अब ये क्वेश्चन है, टिक द थिंग्स पेमा टुक आउट एंड डिड नॉट नीड, तो जो भी आंसर तुमने बनाया है अगर सही होगा तो यहाँ पर करेक्ट का निशान रहेगा, टिक का। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का था तो मैंने यहाँ पर 1 दिया है, अगर 2 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा, जितने भी मार्क्स का होगा तो यहाँ पर ये शो होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पॉइंट है 1 पॉइंट, ये भी 1 मार्क्स का है और ये आंसर भी सही है और इसका आंसर फॉल्स था। इसी तरह से सभी का पॉइंट भी साइड में लिखा रहेगा, ये कॉपी है, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे व्हाट डिड पेमाज मदर आस्क हर टू डू, ये क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स का दिया है तो ये भी क्वेश्चन सही है, तो 2 मार्क्स मिल गया है। तो जिस क्वेश्चन में जितने मार्क्स का है उसका यहाँ सभी को कॉपी में शो हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर जितना है मैं 2-2 मार्क्स का रखूँगा, अभी मैं इसको करेक्ट कर दूँगा क्वेश्चन को। तो ये टेस्ट किस तरह से देना है ये मैंने बता दिया सभी को, या 1-1 मार्क्स का ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेस्ट इस तरह से देना है, ठीक है। तो ये मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया ताकि जिस दिन टेस्ट होगा ट्यूसडे को, आज संडे है, मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे को टेस्ट होगा 9:30 AM में, मैं लिंक सेंड करूँगा, सारे बच्चों को चैप्टर 8 प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है।